जो इतना डैम्स के इशू पे झगड़ा चल रहा है, सिंध का, बलूचिस्तान का, पंजाब का, हर कोई एक दूसरे के गले पड़ रहा है, तो बड़ा सिंपल है, क्या ये आपकी टॉप प्रायोरिटी है कि आप मीटरिंग जो सी है इमीडिएटली इंस्टॉल हो? बिकॉज अगर ये होगा तो कल को डैम्स में भी झगड़े खत्म हो जाएंगे, फिर ये झगड़ा ही नहीं होगा कि जी ये डैम बना के पानी रोक के ये हमारा दाएं करेंगे बाएं करेंगे, सीधा सीधा पता लगेगा कितना पानी आ रहा है कितना निकल रहा है। तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट टेलीमीटरिंग, कर क्या रहे हैं उस पर? मालिक साहब आपका बड़ा ब्रिलियंट सवाल है सर, मैं आपको दो मिनट लूंगा फिर आप पूरा प्रोग्राम अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एक तो सर ये कि मुझे इनहेरिटेंस ऑफ विरासत में ऐसे अबेंडेंट और ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले कि मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊं तो आपको मेरी प्रॉब्लम समझ आएगी। 34 करोड़ रुपए पर डे मैं दासू पे नुकसान कर रहा हूं पर डे। वर्ल्ड बैंक का एक लेटर है, आई हैव नो इश्यूज एंड नो प्रॉब्लम के आप जैसे क्रेडिबल आदमी से मैं उसको शेयर भी कर लूंगा, मैं कर भी दूंगा और मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, क्योंकि वो एक जगह एक और क्रेडिबल एंकर के पास आ गया और आपके पास जाए और आप जैसे जितने क्रेडिबल लोगों के पास जाएगा उससे फायदा है, बोलकर नुकसान नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान नॉट ओनली अस। उसमें सर जो चीजें लिखी गई है वो पढ़ने के बाद मालिक साहब आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी जो होने वाला था। बट मैं वॉर फुटिंग्स में अपनी टीम के साथ गया, मैंने खुद कॉन्टैक्ट किया, मैंने खुद विजिट किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे वर्ल्ड बैंक ने कहा ये ऐसा प्रेसिडेंट कभी सेट नहीं हुआ कि 15 साल में कोई मिनिस्टर हमारे पास चल के आया हो, क्योंकि मैं बाहर पड़ा हुआ तो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। उनको मैंने समझाया जो 16 महीने से मीटिंग्स डिलेड थी, जो 10-10 स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स विदाउट रिजल्ट निकली, वो हमने 72 घंटे में 5 मीटिंग्स की, जिस मीटिंग में इस्लामाबाद लोगों को आना चाहिए था। मैं अपनी टीम वर्ल्ड बैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब वापडा चेयरमैन वर्ल्ड बैंक सीएम केपी के सेक्रेटरीज कमिश्नर्स पुलिस ऑफिसर्स सबके साथ पेशावर खुद गया, ऑन बोर्ड लिया, उस इश्यू को आई वुड से 75% हम रिजॉल्व की तरफ ले गए। लोग कह रहे थे कि जी आप इसमें फलाना डिसीजन लेंगे तो इंक्वायरी हो जाएगी, आई सर आई डोंट केयर, टिल द टाइम मेरी जेब में पैसा नहीं जा रहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सबको बिठा ले, मीडिया को बुला ले टेबल पे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बुला लें, सुप्रीम कोर्ट के लोगों को बुला लें, पुलिस को बुला लें, आर्मी को बुला, आई डोंट केयर, मुझे कोई काम ठीक से रोक नहीं सकता। मैं इस चीज से डर जाऊं कि मेरी इस कलम से किसी का कोई नाराज हो जाएगा या परेशान करेगा मुझे, मेरा इशू है टू रिजॉल्व पाकिस्तानी इश्यूज एंड आई एम गोइंग टू इश्यूज रिजॉल्व दोज इश्यूज ऑन द फ्रंट फुट रिगार्डलेस के मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब भी है, इन्होंने कुछ ब्रीफिंग में मुझे, मैं कहा सर आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज आप ठीक काम करें मैं आपके पीछे खड़ा हूं, कोई आपके बात तरफ नहीं आएगा। आई हैव गिवन दैट कॉन्फिडेंस टू माय टीम, आई एम वर्किंग नॉट एज अ मिनिस्टर। व्हाट अबाउट टेलीमीटरिंग? बिल्कुल हार्मनी के लिए सर, टेलीमीटरी के अंदर एक्चुअली ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनता है 18वीं सदी का, लेकिन आई एम डूइंग इट ऑन वॉर फुटिंग, मैं कुछ जगहों पर अभी एक्सपेरिमेंटल लगा रहा हूं, और मैंने उस लगाने से पहले यह भी मैं आपसे लेटेस्ट शेयर करूंगा, और ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब बैठे मैं उनको अभी कहता हूं कि आपको दे दीजिए, मैंने सूबों के चीफ मिनिस्टर कोर कमांडर्स रेंजर्स पुलिस चीफ को लिखा है कि जब तक ये इश्यू एड्रेस नहीं हो रहा आप पेट्रोलिंग करें उन इलाकों के अंदर, क्योंकि चोरी इज मोर देन 50% एंड ऑल दैट आल्सो आई विल। लेकिन अगर आप इसको इरसा के थ्रू कराते हैं तो फिर तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर वाला फड्डा खत्म हो जाएगा ना। आप इसको अब आप किस तरह करवा रहे हैं मीटरिंग को, क्या आप इरसा के थ्रू करवा रहे हैं? सर इरसा के थ्रू करवा रहा हूं, जो बजट एलोकेशन में प्रॉब्लम है वो भी रिजोल्व मैंने कर लिया है। आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब बताएंगे इट्स अनप्रेसिडेंटेड जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक इज नाउ वर्किंग विद मी विद टेलर टर्म्स, वो आपको ऑप्टिक्स नजर आएंगे, इरसा के थ्रू होगा।